नमस्कार दोस्तों, मैं सपना मुकेश देसी ढाबा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप ये मसाला जो देख रहे हैं, कितना देखने में भी अच्छा लग रहा है और खुशबू भी मेरे पास बहुत अच्छी आ रही है। मैं इसके पास खड़ी हूँ तो आज मैं आपको इसी मसाले की वीडियो बनाना बताऊंगी। और ये वीडियो को आपको आखिरी तक इसलिए देखना है क्योंकि मैंने बीच बीच में और आखिरी में कुछ न कुछ टिप्स दी हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम ये पाव भाजी का मसाला कैसे बनाना है। सबसे पहले जो हमारा मेजरमेंट हम कुछ भी तय कर लेंगे, कटोरी से या चम्मच से। तो मैंने इस चम्मच से मेजरमेंट तय किया है। तो इससे हमने 3 चम्मच धनिया लिया है और पैन गरम हो गया है तो इसमें हम धनिया डाल देंगे। 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हमने सौंफ ली है। इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर सेंकना है पूरे मसालों को और 2 से 3 मिनट में ये मसाले सिक जाएंगे। देखिए ये मसाले करीब अभी आधे सिक गए हैं, कुछ कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम बाकी मसाले ऐड कर देते हैं। ये 8 से 10 काली मिर्च है, 8 से 10 लौंग है, इनको मिला लेंगे। 2 छोटी इलायची है और दालचीनी है, इसको एक करीब 2 मीडियम साइज के तेज पत्ते डाल देंगे। इन्हें हमने टुकड़ों में कर लिया है। यदि आपके पास लौंग, काली मिर्च, दालचीनी वगैरह नहीं है जब आप ये मसाले बना रहे हैं तो तैयार गरम मसाला ये आप मिला लीजिए। उस कंडीशन में जब आपके पास ये सब मसाले नहीं है, जब वो हमने बाद में डाल लिया। देखिए ये मसाले बहुत अच्छे तरह से सिक गए हैं और इसको सिकने में 5 मिनट का टाइम लगा। बिल्कुल मध्य आंच में हमने ये मसाले सेंके हैं। यहाँ हम गैस बंद कर देंगे अभी और बाकी जो मसाले ऐड करना है वो हम ऐड कर लेंगे। ये अमचूर पाउडर है, इसे भी हमने 1 चम्मच लिया इसी चम्मच से। नमक भी 1 चम्मच लिया है, हल्दी 1/4 चम्मच लिया है। सभी मसाले गर्म है, तो इन मसालों को हमने डाल दिया है तो इनके साथ इनकी नमी जो है वो खत्म हो जाएगी। एक सब मिला दे रहे हैं। इन सभी मसालों को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। गैस हमने वापस से चालू कर दिया है और पैन गरम है और ये 15 से 20 मिर्चें हैं। अब हमें इसे बिल्कुल मध्य आंच में सेंक लेंगे। करीब 1.5 से 2 मिनट में बिल्कुल मध्य आंच में ये मिर्ची अब सिक गई है और अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और मिर्ची और सभी मसालों को एकदम ठंडा होने देते हैं। मसाले अच्छी तरह ठंडे हो गए हैं, अब हम पीसने के प्रोसेस में चलते हैं। ये हम मिक्सी के जार में डाल देंगे मसालों को। और यदि हम पाव भाजी मसाला बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पाव भाजी बना रहे तभी डालना है। इसे हम सूखी सब्जियों में, जैसे आलू की सब्जी है, भिंडी की सब्जी है या फिर बेसन के गट्टे बनाते हैं, सभी में हम इसको काम में ले सकते हैं। इसका टेस्ट है सब्जियों का और बेसन के गट्टे हैं, छोले के जो बनाते हैं, इन सब का टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। देखिए हमने इसकी बिल्कुल मध्य आंच में सिकाई की थी तो इसका कलर कितना प्यारा आया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आई है। तो ये मसाला तैयार हो गया, अब इसे हम एक कंटेनर में निकाल लेते हैं। एक बढ़िया पाव भाजी मसाला बनकर तैयार हो गया है, आप जरूर ट्राई करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एक नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।